तो ये बड़ी लेकिन दुखद खबर है जिस तरह से आज सुबह ये हादसा हुआ है, और इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए एक ट्वीट किया है। धार बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। धार हादसे से बेहद दुखी हूं। ट्विटर पर उन्होंने अपनी ये प्रतिक्रिया दी जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बेहद दुखी हैं इस हादसे को लेकर और हर संभव मदद की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर वो ट्वीट आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि धार में बस हादसे की घटना से बेहद दुखी हूं। आगे लिख रहे हैं कि जिनकी जान गई उनके परिवार से हमारी संवेदनाएं। तो एमपी के धार में हुए बस हादसे पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया कि हर संभव मदद की जा रही है जो भी मुमकिन है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर करते हुए ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं और जो भी मुमकिन होगा हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री का की ये प्रतिक्रिया इस हादसे को लेकर। लगातार आप तस्वीरें भी देख रहे हैं और इस पर अपडेट के लिए एक बार फिर चलेंगे ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, आपने जिस तरह से ये जानकारी दी और जैसा आपकी बातचीत एसपी खरगोन से हुई है, उन्होंने जो बताया, तो क्या ये माना जाए, वहां से क्या जानकारी है आपके पास कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन क्या पूरा हो गया है, क्योंकि बस भी निकाली जा चुकी है, 13 ही लोग सवार थे जिनके शव बरामद हो चुके हैं। जी, मेरी जो बात है उसके आधार पर हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जिले के अधिकारी हैं उनका कहना है कि उस बस में 12 यात्री इंदौर से सवार हुए थे, एक ड्राइवर को मिला लें तो 13 यात्री सवार थे, और चूँकि बस ऊपर से गिरी है, उफनते पानी में गिरी है, बस लंबे तकरीबन आधे पौन घंटे पानी में डूबी रही है, तो किसी के जिंदा बचने की कोई सवाल पैदा नहीं होता है। चूँकि 13 लोग थे, 13 की 13 बॉडी उस बस से निकाली जा चुकी है, इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है, तो और राहत कार्य तकरीबन खत्म होने को ही है। मैं एक नई जानकारी आपको दे दूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से इस मामले में फोन पे बात की है और उनको बताया है इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। आप रुकिएगा, राहत बचाव कार्य जो भी वहां चल रहा है मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के एसडीएम जिनका नाम संघप्रिय है हमारे साथ जुड़ गए। संघप्रिय जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि कई कंफ्यूजन की बातें निकलकर सामने आ रही है, क्या आपके पास जानकारी है इस हादसे से जुड़ी हुई जो हमारे दर्शकों को आप देंगे? चलिए हम फिर से कोशिश करेंगे कि खरगोन के जो एसडीएम हैं संघप्रिय, उनसे हम जुड़े, उनसे बातचीत करें। फिलहाल उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी जो ब्रजेश दे रहे हैं, शुरुआत में जो खबरें आई थी, अब वो इन तमाम खबरों को लेकर एक तस्वीर क्लियर करने की कोशिश एसपी खरगोन ने की है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बस में 13 ही लोग सवार थे जिनमें ड्राइवर भी शामिल है, और इन 13 लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है। यानी अब इस बस में कोई भी ऐसा जो सवार था, इस हादसे का शिकार हुआ, उसे ढूंढा जा रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी के शवों को बरामद किया जा चुका है, और अब इस बस को भी बाहर निकाला जा चुका है। ड्राइवर सहित सभी लोगों की मौत हो चुकी है, एसपी खरगोन ने यह साफ कर दिया। शुरू में जिस तरह से कहा जा रहा था कि 50 से 55 लोग इसमें सवार हो सकते हैं, तो यह कहा गया है अब एसपी खरगोन की तरफ से कि सिर्फ 13 ही लोग सवार थे जिस वक्त ये उस पुल से गुजर रही थी। ब्रजेश का फिर से मैं रुक करना चाहूंगी। ब्रजेश, मैंने आपको रोक दिया था, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, इस मामले में नई जानकारी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि आज मध्य प्रदेश के विधानसभा में राष्ट्रपति का वोटिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पे मौजूद हैं, और उन्होंने इस पूरे घटना के बारे में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनको जानकारी दी है। फोन पे विस्तृत जो वहाँ बचाव कार्य चला उसकी जानकारी दी है, और इस मामले में उन्होंने मध्य खरगोन जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं कमल पटेल, जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने तुरंत यहाँ से कृषि मंत्री को खरगोन रवाना किया है, और घटना के बारे में जो पूरी जानकारियाँ हैं और उसको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ शेयर किया है। तो ये बड़ी जानकारी है, और यहाँ से वो पूरे घटना पे नज़र रखे हुए हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो धार और खरगोन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तेज़ी से राहत कार्य चलाएं। मगर मेरी जो बात हुई है उनके वहाँ के अधिकारियों के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बचा नहीं, क्योंकि बस डूबे हुई थी और उसको पानी से निकाल लिया गया है। जो 13 शव हैं बरामद कर लिए गए हैं, और जो डेड बॉडीज हैं उनको धार के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बड़ी बात यही है कि इस पूरे हादसे में
चूंकि हादसा इतना बड़ा था और इतना भयानक था कि उसमें कोई भी जिंदा व्यक्ति नहीं बचा है। सभी पानी में डूबे हुए शव थे जिनको राहत और बचाव दल के चलते बस से निकाला जा चुका है, वो बस भी निकाली जा चुकी है। तो अब वहाँ कुछ ऐसे कोई गुंजाइश लग नहीं रही कि कुछ और लोग यात्रियों के शव बरामद किए जा सकेंगे। जी ब्रजेश, ये जो 13 लोग हैं जिन्हें निकाला गया है, ड्राइवर भी बताया जा रहा है कि इनमें शामिल है, इन सबकी पहचान हो गई है? ये लोग कहाँ से थे, कौन है, इनके घर वालों को इत्तला कर दी गई है? देखिए, इस मामले में इंदौर के संभागायुक्त ने पहल की है और जो इंदौर से सवार हुए थे ये सारे यात्री सुबह 7:30 बजे इंदौर से जब बस रवाना हुई तो इंदौर से सवार हुए थे बस में और तकरीबन 10:15 बजे जो यहाँ पे जो हादसे का शिकार हो गई यही बस, तो इस बारे में वहाँ जानकारी इकट्ठी की जा रही है इंदौर के बस अड्डे से कि वहाँ पे कौन लोग थे, कौन लोग सवार हुए हैं। और जो दुखद यही है कि इस पूरे हादसे में कोई जिंदा यात्री कोई बचे नहीं पाया है, कोई सरवाइव नहीं कर पाया है। तो कैसे ये सब हुआ है, क्या चूक हुई है, किस स्थिति क्या स्थिति बनी है जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया है, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अब कैसे मिलेगी प्रशासन के लिए चुनौती का विषय है, क्योंकि जो जांच होगी या जिस तरीके से इस दुर्घटना के ब्यौरे इकट्ठे किए जाएंगे तो इस बारे में कोई अब इस हादसे का शिकार कोई जिंदा नहीं बचा है तो जो ये सारी जानकारी दे सके। तो निश्चित ही ये अभी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती वाली है खबर है कि कैसे इस बारे में ब्यौरा जुटाया जा सकेगा, मगर निश्चित ही एक बड़ा हादसा है और महाराष्ट्र से जुड़ा हादसा है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में पूरी जानकारी, महाराष्ट्र 200 जो है बाहर से निकाले गए हैं और अभी कलेक्टर से चर्चा हुई थी तो बचाव राहत कार्य चल रहा है, ढूंढने का काम चल रहा है गोताखोर बोट से कि एक दो तेरह और सर मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात करी है और आप भी रवाना हो? मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया और मुझे भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल वहाँ पहुंचो। तो मैं बोट बना राष्ट्रपति जी का चुनाव था उसका बोटिंग करके अभी यहाँ से सीधा रवाना हो रहा हूँ और जो भी हम सहायता कर सकते हैं और उनके जो शव हैं उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम करेंगे। सब टीम लगी, पूरी टीम बचाव राहत करने लगे, बस के अंदर से ही निकाला गया है। तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल पटेल को आप सुन रहे थे जो जानकारी दे रहे थे कि राहत बचाव कार्य जारी है और वो खुद भी अब रवाना हो रहे हैं घटनास्थल पर जिस जगह पर ये हादसा हुआ है और जिसमें 13 शवों को निकाला गया और जो जानकारी वहां के ऑफिशियल्स की तरफ से दी जा रही है। खुद खरगोन के SP ने ये बताया है कि 13 ही लोग उस बस में सवार थे ड्राइवर को मिलाकर और सभी लोगों के शवों को बरामद किया जा चुका है। ये बस जो नदी में पूरी तरह से समा चुकी थी उसे भी क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया है। तो अभी फिलहाल जो जानकारी है उस लिहाज से तो यहां कोई और नहीं बचा जिसे तलाशा जा रहा है। ब्रजेश, लगातार इस पूरे मामले पर हर जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, फिर से मैं उनके पास चलूंगी। ब्रजेश, अब क्योंकि आपकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आपने वहां के बात की है DM से, SP से, उन्होंने ये कह दिया है कि 13 ही लोग थे और सभी को निकाल लिया गया, लेकिन इसे लेकर क्या अभी ऑफिशियली इसे कर दिया गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है कि ऑपरेशन अभी आगे चलाया जाएगा या फिर नहीं? अगर 13 ही लोग सवार थे तो इसका मतलब ये यहां पर खत्म हो जाता है? नहीं, देखिए, सरकार इस मामले में कोई जल्दबाजी करने को तैयार नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि राहत काम चलेगा और आसपास के जो तटवर्ती इलाके नर्मदा जिस तरह बह रही है खलघाट से आगे, वहाँ पे गोताखोरों को अलर्ट कर दिया गया है किसी प्रकार की और डेड बॉडी कुछ मिलती है तो उनको रोका जाए या उनको निकाला जाए। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि राहत बचाव कार्य वहाँ खत्म कर दिया गया है, मगर हाँ ये जरूर होते हैं 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं डेड बॉडीज। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो, तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी के पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। मैंने कहा ना कि 12 लोग सरवटे बस स्टैंड से चढ़े थे और एक ड्राइवर होगा तो 13 तो इंदौर से चले हैं, रास्ते में कोई बैठ भी सकता है उतर भी सकता है, इसलिए निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कितने लोग थे। नहीं, अभी उस तरह की जांच अभी तत्कालिक कार्य नहीं है, तत्कालिक रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके बाद जांच देखते हैं बाद में कार्रवाई की जाए। कितनी दिक्कत आ रही है राहत बचाव कार्य में? नहीं, हमारी टीमें तत्काल स्थल पर पहुंच गई और
दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई, बड़वानी जिले से भी सारे लोग आ गए। बारिश में खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं, बस भी बाहर निकाल ली गई है, इसलिए प्रशासन ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। आर्थिक राशि की कोई घोषणा करेंगे सर? वो अभी तत्कालिक विषय नहीं है, वो हो जाएगा। तो धार के डीएम को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई, और साथ ही कि कैसे आइडेंटिफिकेशन अब किया जाएगा उन तमाम लोगों का, और ये जानकारी जुटाने की भी कोशिश की जा रही कि कहीं कुछ और लोग तो नहीं थे शामिल, जिनके बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। इस बस में सवार कितने संख्या को लेकर, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये एसपी बता रहे हैं कि 13 है, इसको लेकर अभी तक कुछ क्लियर जरूर नहीं किया गया है, लेकिन 13 लोग ही सवार हुए थे इंदौर से, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है। और जिलाधिकारी, धार के जिलाधिकारी को आप सुन रहे थे पवन शर्मा, जो इसी को लेकर जानकारी दे रहे थे कि हम जैसे ही हमें इस बात की सूचना मिली, हमारी रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंची और बस को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। तमाम जो फंसे हुए लोग थे, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके शवों को बाहर निकाला गया है। तो अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जाएगा, साथ ही जांच अधिकारी ये भी कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस बात की जानकारी मिल सके कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, क्योंकि अभी तक इसे लेकर यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत बस में आई हो, जिस वजह से ये हादसा हुआ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।